और दिखा देते हैं, चलिए किस तरह से पथराव हुआ है जरा उसकी भी आपको तस्वीर देखनी चाहिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए ये रात की तस्वीर है, ये आप देख रहे हैं विसर्जन यात्रा निकली हुई, और इस तरह से जब यात्रा वहां पहुंचती है, विशेष समुदाय से जुड़ा एक इलाका है वहां पहुंचती है, और कैसे पथराव होता, कैसे भाग दौड़ मच जाती है, आपाधापी मच जाती है, जरा फुल स्क्रीन करिएगा, एम्बियंस में सुनाइए कि किस तरह से भाग रहे लोग। तो ये जो हिंसा भड़क रही है, ये ऐसा लग रहा है कि एक पूरा मॉड्यूल है जो बार बार फॉलो किया जा रहा है। मैं बार बार क्यों कह रही हूँ कि ये प्रैक्टिस है, क्योंकि दंगा भड़काने की साजिश थी और वैसा होता दिखाई भी दिया। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भड़की हिंसा में बहराइच सुलग रहा है। तस्वीरें ऐसी हैं जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। हिंसाग्रस्त इलाके में चारों तरफ उपद्रव, तोड़फोड़ और आगजनी का मंजर दिखा। जैसे जैसे समय बीता हंगामा बढ़ता ही गया। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, कैसे आक्रोशित भीड़ चारों तरफ तबाही मचा रही है। रास्ते में जो कुछ भी आ रहा है सब कुछ तबाह होता जा रहा है। इलाके की दुकानें, शोरूम और अस्पताल, सब कुछ हिंसा की आग में जलता दिखा। बहराइच में भड़की हिंसा के दौरान एक शख्स की जान चली गई, जिसके बाद हंगामा और बढ़ गया। वहां मौजूद भीड़ और भी उग्र हो गई। हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि पुलिस और प्रशासन को हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर बितर करना पड़ा। इलाके में फोर्स की तैनाती बढ़ानी पड़ी। मैम क्या सिचुएशन है फिलहाल? अभी कंट्रोल हो रही है, कंट्रोल हो रही है, कर रहे हैं, कंट्रोल हो रही है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भड़की हिंसा की आग में पूरा बहराइच जल रहा था और उसका धुआं लखनऊ में घुटन पैदा कर रहा था। यही वजह है कि सीएम योगी ने बड़े अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल बैठक कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। योगी के आदेश के बाद बहराइच में ऑफिसर्स ने डेरा डाला और ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हिंसा के दौरान किस तरह की तस्वीरें सामने आई, आपको बता दें कि मर्डर हो गया। आप सोचिए कि डीजे की आवाज ऊंची हो, कोई यात्रा गुजर रही हो, कुछ झड़प होती है, कुछ बातचीत होती है, समझ में आता है, लेकिन आप किसी को मौत के घाट उतार दें, ये किसी की समझ में नहीं आएगा। और यही वजह है कि हंगामा इसी को लेकर हुआ है। चलिए आपके सामने जानकारी रख रहे हैं, तो बताएं आपको कि बहराइच में एक शख्स की हत्या कर दी गई। 22 साल का लड़का था जिसकी हत्या कर दी गई। राम गोपाल मिश्रा के तौर पर उसकी पहचान हुई, और ऐसे ही घर के अंदर, बाहर तो हिंसा चल रही थी, ऐसे ही घर के अंदर ले जाकर तड़ातड़ गोलियां मार दी गई, उसको पीटा गया और मौत के घाट उतार दिया गया। बाहर यात्रा जब जा रही है और उस दौरान हिंसा हो रही है और उसके बाद ये किया गया, ये जो आप देख रहे हैं ना सीन क्रिएट, ऐसा ही हुआ है। क्योंकि एक घर में ले जाकर बुरी तरह से पीटा गया है और मुस्लिम समुदाय के लोग उसे उठा के ले गए क्योंकि वहां पर विरोध हो रहा था। इसलिए राम गोपाल के शरीर पर चोट के 15 निशान हैं। किस बुरी तरह पीटा गया होगा आप जरा सोचिए, अंदाजा लगाइए। बाहर हो हल्ला हो रहा था, कोई समझ नहीं पाया कि अंदर किसी को मार दे रहे हैं, मौत के घाट उतार दे रहे हैं। राम गोपाल के शरीर पर गोली मारी गई, बताया जा रहा है 15 राउंड फायरिंग की गई है। गोली मारने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए, वहां से निकल लिए, भीड़ का फायदा उठा के बच गए। पुलिस आरोपी की तलाश में इस वक्त दबिश दे रही है, उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। चलिए आपको जरा दिखा देते हैं जिस 22 साल के लड़के का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसने अपनी जान गवा दी है, जरा उसकी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। आप सोच में पड़ जाएंगे कि इतने छोटे लड़के को ये देखिए, ये मारकर ऐसे घसीट कर ले जाया जा रहा है सीढ़ियों से। हम आपको पूरी तस्वीर नहीं दिखा सकते, मजबूरी हमारी की ब्लर करके हमें दिखाना, लेकिन आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि बाहर हो हल्ला हो रहा है, एक शख्स को गोलियों से भून दिया गया और उसे कैसे सीढ़ियों से घिसट के ले जाया जा रहा है। ये तक देखिए, बंदूक दिखाई दे रही है। आखिर बंदूक का इंतजाम क्यों किया गया था पहले से, क्या कोई बड़ी तैयारी थी? ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। लेकिन परिवार के लिए तो उनका अपना छिन गया ना, उनका अपना चला गया इस दुनिया से। हिंसा में
अगर आप सोचिए कि हो हल्ला हो रहा है, ये सब सब समझ में आता है, सब समझ में आता है, विरोध समझ में आता है, झड़प समझ में आती है, लेकिन किसी की जान चले जाना क्या किसी को समझ में आएगा? अपना चला जाने पर सब कुछ खत्म हो जाता है, यही हुआ इस परिवार के साथ। बहराइच की हिंसा में एक पूरा का पूरा परिवार उजड़ गया है, उनके लिए तो ये दंगे के दर्द जैसा हो गया। मृतक राम गोपाल पर परिवार की पूरी जिम्मेदारी थी, इकलौता था कमाने खाने वाला। हिंसा ने इस परिवार से उसका चिराग छीन लिया, सहारा छीन लिया है। अब परिवार किसके सहारे रहेगा? सोचिए, 2 महीने पहले राम गोपाल की शादी हुई थी, कुछ ही वक्त था, 2 महीने पहले शादी हुई और उसके बाद अब उसे मौत के घाट उतार दिया गया। शादी के बाद ये पहला दशहरा था, त्यौहार मनाया जा रहा था, उत्सव का माहौल था इस घर में। शादी के बाद अमूमन ये होता है कि 1 साल तक जो भी त्यौहार आते हैं उसे उत्सव की तरह मनाया जाता है, और वैसा ही हो भी रहा था इस परिवार में। लेकिन परिवार ने अब सीएम योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की मांग की है, कहा है कि बाबा का जो बुलडोजर मॉडल है, बाबा का जो एनकाउंटर मॉडल है, वो इनके साथ किया जाए, एनकाउंटर किया जाए इन आरोपियों का जिन्होंने मौत के घाट उतार दिया। आरोपियों के घर पर बुलडोजर भी चलवाना चाहता है परिजन, क्योंकि उनकी ये मांग है कि उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपने को खो दिया। आप सोचिए कि झड़प होती है, लगता है कि चलिए हल्ला गुल्ला हुआ, पथराव हुआ, हर चीज समझ में आती है, लेकिन इस परिवार को कौन समझाएगा? इसका तो अपना छिन गया, सहारा ही छिन गया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी। अभी प्रशासन क्या कह रहे हैं? कुछ गिरफ्तारी नहीं, लोग मांग कर रहे हैं कि गिरफ्तार हो लोग। मुख्य अभी नहीं गिरफ्तार। सर अभी मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार हुआ जो मारा था कोई फरार हैं, 5 लोग अभी कोई गिरफ्तार नहीं हुए हैं। मारने वाले फरार हैं और 2 दर्जन लोग ऐसे पकड़े। हाँ पकड़े, दिखावा में पकड़े। जो पकड़े गए हैं वो बेकार हैं। अब्दुल हमीद का लड़का अब्दुल हमीद ने गोली मारा है, और मुख्य आरोपी 2 लोग हैं बापू। अब ये सब अभी पकड़े नहीं गए, पकड़े गए हैं वो। यही मांग है कि जो हमारे साथ हुआ है वो उनके साथ होना चाहिए। हाँ सीधी बात है, क्योंकि हम लोग सनातनी हैं, हम लोगों के साथ मूर्ति व्यवस्था में जब पूजन में बाधा आती है तो इसके जिम्मेदार मुसलमान हैं, और उनको दंड मिलना चाहिए। नहीं देता है प्रशासन तो हमके दादा जी, यही हम लोग भी कहते हैं कि खून का बदला खून ही होना चाहिए। सुना आपने लोगों का कहना है कि दंड मिलना चाहिए, उनके मन में ये है कि आखिर ये जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कौन करेगा? चलिए गाड़ियां आ जाएंगी, दुकानें बन जाएंगी, मकान बन जाएंगे, सड़कें भी बन जाएंगी, जो नुकसान हुआ है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इस परिवार के लिए अब कभी कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। रिपोर्ट देखिए। बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भड़की हिंसा ने एक परिवार से उसका चिराग छीन लिया, माँ बाप से उसका सहारा छीन लिया, एक बहन से उसका भाई छीन लिया। उस लड़की की आंखों के आंसू सूख गए हैं जो महज 2 महीने पहले राम गोपाल से शादी कर इस घर में आई। सबकी जुबान पर अगर कुछ है तो सिर्फ एक ही बात, बदला। वो भी ऐसा कि दोबारा कोई ऐसा करने की जरूरत ना कर सके। हमका खून, हमारा खून का, हमारा खून हमका देवा है, खून ले अब हम कुछ ना हम चाहिए थे। हाँ खून बदले खून। बहराइच की हिंसा ने राम गोपाल के परिवार को वो दर्द दिया है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। ये दर्द हमेशा इनके सीने पर बोझ बनकर कचोटता रहेगा। उस माँ का दर्द समझिए जिसने अपने जवान बेटे को खो दिया है। अब बस उसकी हसरत एक ही है कि उसके बेटे को ऐसी विदाई दी जाए जिसे सारा जमाना याद रखे। चंद्रशेखर आजाद की तरह बेटा हमारा लड़ते हुए चला गया, चंद्रशेखर आजाद की तरह तिरंगे में लपेटा जाए उसको। राम गोपाल को अंतिम विदाई दे दी गई है, उसकी अंतिम यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ा, लेकिन राम गोपाल का परिवार अभी भी सच को पचा नहीं पा रहा कि उनका बेटा हमेशा के लिए चला गया है। राम गोपाल की याद में परिवार, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार किसी के भी आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इंसाफ पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।